हेलो बच्चा बाटी, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपना ऑसिलेशन का आगे वाला सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपको बाकी के तीन सेशन समझ में आ गए होंगे, जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके बाद में हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया था, फिर बाद में हम लोग ने क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन बनाए थे। करेक्ट है? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम लोग रिकॉल करेंगे और आगे का आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा मेनली बेस्ड होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए हैं वो करने हैं, चार पांच एग्जांपल दिए हैं वो करने हैं, और छोटे छोटे जो फार्मूला है उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए बुक पेंसिल निकाल लीजिए। दो मिनट पहले बुक खोल के रिवाइज कर लो, सब लोग फार्मूला रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना पहले वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करो वैसे लाइक कर देना, बाद में टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट, चलो तो देखो फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग ने पहला इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, क्या था वो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे कुछ था। ठीक है, फिर क्या था हमारे पास, हम लोग ने फिर दूसरे वीडियो में क्या प्रूफ करके दिखाया था, एक्सेलरेशन प्रूफ करके दिखाया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। करेक्ट है, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, फिर बाद में हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट का निकाला था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। करेक्ट, ये सब हमने फार्मूला अभी तक डिस्कस किया है और यही फार्मूलाज हमें अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इसको भूलना मत, ये सब फार्मूला फिर से लिख लो। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ने ये फाइंड आउट किया था। वेलोसिटी के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, ये ओमेगा, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये साइन फंक्शन ओमेगा टी, ये फाइव एंगल, ठीक है, फेज जिसको बोलेंगे, ये सब आपको, ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए। अभी इसी टर्म्स को लेकर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व करने वाले, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे वो करेंगे आज के सेशन में हम लोग, और कुछ हमें फार्मूलाज दे दिया है एक दो और एडिशनल, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना है करो, कर लिया मिटा दो। चलो देखो, अभी हमारे बुक में एक छोटा सा टॉपिक दे दिया है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो अभी हमारे बुक में टॉपिक क्या दे दिया है, हमारे बुक में टॉपिक दिया है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम टी। ठीक है, कौन से टाइम में बोला है, एट टाइम स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी में एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूलाज क्या होगा वो हमें देखना है। तो हम लोग देखो इसके लिए टॉपिक लगा लो, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम टी। ओके, तो इसके लिए भी देखो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो सेकंड फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें अभी हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिलेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अभी यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद में ए कांस्टेंट बाहर आ गया, डी फाइव बाई डी टी, इसका साइन का क्या आ जाता है, डिफरेंशियल ऑफ साइन कोसाइन, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आपने देखा है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग ये पूरे को, इसमें से फाइव डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो मिलेगा आपको, कांस्टेंट है। ठीक है, ओमेगा का ये करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा आपको, ओमेगा मिलेगा, और टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन मिलेगा। करेक्ट है, तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर, ए ओमेगा, यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मिल गया। ये किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। ठीक है, बॉक्स कर लो इसको, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो टेक्स्ट बुक में। समझ में आया ना हम लोग ने क्या किया। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, इसको हम लोग ने पूरा थीटा माना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हम लोग इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव, देखो एडिशन है, एडिशन का डेरिवेटिव तुम लोग दोनों का अलग अलग ले सकते हो, जैसे कि डी वाई बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी
प्लस डी वाई बाई डी टी ऑफ 5। अभी ये कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, ये हो गया ख़त्म, ठीक है, ये हो गया 0। अभी यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर ओमेगा निकल गया बाहर, डिफरेंशिएटिंग ऑफ टी 1 बनेगा, तो बचा गया ओमेगा बचा, इसलिए ये ओमेगा यहाँ पर एज इट इज़ मैंने लिख दिया। समझ में आ गया, एकदम डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए भी हमें फॉर्मूला पता है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। याद है कि नहीं, सबसे पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ ये बताया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये सब चीज़ें क्लियर की थी मैंने। तो यहाँ पर क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का इक्वेशन है तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, डी बाई डी टी, यहाँ पर लिख दूँ ए ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गया, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिखो सिस्टमेटिकली, आ गया। अभी इसका भी क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने के बाद में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आ गया कांस्टेंट बाहर, ठीक है, ये भी आ गया कांस्टेंट बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन, कोसाइन का क्या मिलता है हमें, माइनस साइन मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन, साइन माइनस साइन मिलता है, तो माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट है। अभी फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से आप लोग डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को ओमेगा टी प्लस 5 को, तो ये एडिशन में है, इसको हम लोग फिर से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी 5, ये हो गया, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा गया कॉन्स्टेंट बाहर, डी बाई डी टी टी, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टाइम निकालोगे, टी निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का ही और निकाल रहे आप लोग, डी टी का ही टी निकालो तो 1 मिल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर ओमेगा, करेक्ट है। समझ में आ गया, हम लोग ने क्या किया, इसको दो बार अच्छे से सुनना, दो बार, हाँ, 2 मिनट का वीडियो, 2 बार अच्छे से सुनना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, अभी ओमेगा 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 स्क्वायर लिख दूँ, साइन ओमेगा टी प्लस 5, समझ में आ गया पक्का, आई होप समझ में आ रहा है आपको, सच्ची में समझ में आ रहा है ना, लिख लो उसको भी, लिख लिया, चलो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला से इसको हम लोग ने नोट डाउन कर लिया। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे बुक में कुछ एग्जांपल्स दे दिए, उन एग्जांपल्स को समझना, सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ने डेरिवेशन कर लिया, आपको फार्मूला याद हो गए, फार्मूला याद हो गए तो डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल्स तो आप लोग लगा ही लोगे, सही है ना, न्यूमेरिकल्स तो आप लोग लगा ही लोगे। चलो चलो फटाफट रीड करो, तुम्हारे पास बुक है ना, चलो क्वेश्चन अभी देखो आपके एक बोर्ड पे आ जाएगा, एग्जांपल नंबर 5.1, ठीक है। देखो क्या है एग्जांपल, एग्जांपल क्या बोल रहा है यहाँ पर, सॉरी एग्जांपल नंबर 5.2 है, 1 हम लोग ने कर लिया है। 5.2 में देखो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM ऑफ पीरियड 4 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या क्या दे दिया, पहले गिवन डेटा लिख लो तुम लोग, गिवन डेटा में क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले देखो, पहले प्रॉब्लम को समझो क्या दिया है हमारे पास, समझो एक हमारे पास पेंडुलम है जो कि ऑसिलेशन कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑलरेडी कर रहा है। अभी मुझे क्या क्या दिया है, यहाँ पर मुझे दे दिया है टाइम पीरियड 4 सेकेंड, ऑफ पीरियड 4 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 4, तो मुझे पीरियड दे दिया टी कैपिटल टी 4 सेकेंड्स, और मुझे एम्पलीट्यूड दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है मुझे, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। हमें स्मॉल टी फाइंड आउट करना है, कब, जब वो 1 सेंटीमीटर में हो, कब हो, जब 1 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब देखो, हमारे पास टोटल एम्पलीट्यूड दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी वो एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पर मैंने बोल लिया ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया हमारा, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ये मीन पॉइंट हो गया,
करेक्ट है, ऑसिलेशन कर रहा है उस मतलब ये मेन पोजीशन के पास आ रहा है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसका मैंने पॉजिटिव एक्सट्रीम पकड़ लिया, तो वहाँ से वो एक सेंटीमीटर आगे आ गया, ठीक है। अभी बताओ कि इसने टाइम कितना लगाया है, ठीक है। यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, क्या करना है यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पूरा ऑसिलेशन पता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम लोग मेन पोजीशन से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो एक्स में से हम लोग ने वन निकाल दिया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सोल्यूशन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल एम्पलीट्यूड में से कितना कवर किया डिस्टेंस, वन कवर किया, तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल कितना है, फोर है, फिर वन हम लोग ने कम किया तो कितना बचा, थ्री सेंटीमीटर बचा, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरा एम्पलीट्यूड फोर है, फोर में से वन आगे आ गया है, तो बचा कितना यहाँ पर, तीन बचा, करेक्ट है, पूरे में से एक गया तीन बचा, समझ में आ गया, इजी। फिर उसके बाद में, सिंस पार्टिकल परफॉर्म SHM फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, एंगल हमारे पास दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट से कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना मिल जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट बोल दिया तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री मतलब यहाँ पर मेरे पास एंगल कितना बन जाएगा, एंगल पाई बाय टू हम लोग ले लेते हैं, एंगल कितना मिल गया, पाई बाय टू। और कुछ चाहिए हमें, नहीं चाहिए, अभी हम लोग सब अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, इतना आप लोग को समझ गया कैसे आया। अभी फार्मूला, फार्मूला देखो क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूला में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पक्का सबको पता है। चलो ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या है, तीन, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो आप लोग यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में रखो, मीटर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मीटर में करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग आगे पीछे कर लेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सब सेकंड्स में है, सब सेंटीमीटर्स में है, इसलिए मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। अगर यहाँ पर एक भी मीटर्स में होता तो आप लोग सब मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पर ए आ गया फोर साइन, अभी ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई बाय टी, यही है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ टू पाई बाय टी, ठीक है, इनटू स्मॉल टी प्लस फाइव, कितना बोल दिया है, पाई बाय टू, समझ में आ गया, पक्का लिख लिया इतना। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, थ्री बाय फोर, यहाँ पर फोर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ गया, साइन यहाँ पर क्या आ गया टू पाई, यहाँ पर टी की वैल्यू रख लो कितनी आ गई, टी की वैल्यू फोर, फोर सेंटीमीटर कैपिटल टी की, स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस पाई बाय टू। अभी हमारे पास देखो इसके लिए भी फार्मूला है, इसके लिए भी साइन का एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, साइन क्या है थीटा, क्या था फार्मूला, साइन थीटा प्लस ओमेगा, ऐसे कुछ है ना फार्मूला, साइन, एक मिनट रुको, क्या है फार्मूला हमारे पास, एक तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, क्या है, साइन थीटा पाई बाय टू का फार्मूला है, क्या मिलता है हमें, साइन थीटा पाई बाय टू का कॉस थीटा मिलता है, यह फार्मूला पता है तुमको, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, तुमको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थीटा किसको मान लिया, थीटा मैंने टू पाई बाय फोर इंटू टी को माना थीटा, और ये पाई बाय टू, तो इसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा, थीटा मैंने क्या लिया था, टू पाई बाय फोर इंटू टी, यहाँ पर क्या बचा, थ्री पाई बाय फोर, फटाक से थ्री पाई बाय फोर को सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 0.75, ठीक है, देखो 0.75 मिल गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फटाफट ले लेते हैं बाहर, देखो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर आप लोग इसको कैंसिल करो और मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, अभी यहाँ पर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, तो वन अपॉन कॉस को हम लोग कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 7.5 इज इक्वल्स टू टू पाई बाय फोर इंटू टी, करेक्ट है। अभी नेचुरल कॉस में क्या करोगे आप लोग, नेचुरल कॉस में उसका एंगल ढूंढोगे, क्या करोगे, नेचुरल कॉस में आप उसका एंगल ढूंढोगे, ठीक है। क्या करोगे आप लोग, जाओगे लॉग टेबल में, नेचुरल कोसाइन ढूंढोगे, नेचुरल कोसाइन में आप लोग 0.75 ढूंढोगे, फिर उसके अपोजिट में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप लोग एंगल देखोगे कि कौन कौन सा हमें डिग्री और रेडियन ये मिल रहा है, ठीक है, मिनट्स में हमें मिल रहा है। जब आप लोग ये कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे मिल गया 41.4, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 41.4 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दो, वन जा टू जा, बचा गया यहाँ पर पाई बाय टू इंटू टी। अभी हमें टी फाइंड आउट करना है, एक डिग्रीज में है, एक रेडियन में है, क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, किसको किस में कन्वर्ट करें आप लोग ही बता दो, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दे, कैसे किया जाता है रेडियन में कन्वर्ट,
कैसे किया जाता है, पाई बाय 180, पाई बाय 180। तो यहाँ पर देखो क्या कर दे हम लोग, 1.4 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। यहाँ पर पाई बाय 2 इंटू टी, ठीक है। अभी आप लोग देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल करते जा रहा हूँ। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में डिनोमेटर में आएगा तो पाई से पाई मर गया, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 और ये यहाँ पर 90 जा कट गया, 41.4 पॉइंट डिवाइड बाई 90। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टी का फॉर्मूला मिल जाएगा, टी के लिए आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर 41.4 डिवाइड बाई 90। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर, कितना सेकेंड्स आ रहा है। चलो डिवीजन बचा है, आप लोग करो, आप लोग करके बताओ डिवीजन कितना आ रहा है, जल्दी कर दिया पक्का। चलो तो मेरा आंसर आ रहा है 0.46। क्या आ रहा है मेरा आंसर, 0.46। कितना आ रहा है टाइम पीरियड, 0.46। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, मुझे कितना टाइम लग रहा है 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए, 0.46 सेकंड्स लग रहा है। समझ में आ गया ना सम, बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो कोसाइन लिया है, कोसाइन में नेचुरल कोसाइन में जाके आप लोग लॉग बुक में देखोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। अभी एक यहाँ पर डिग्रीज में है और एक रेडियन में है तो इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लिया हम लोग ने। कन्वर्ट करने के बाद में इजीली हम लोग को टी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। कोई इशू आया अभी तक, कोई प्रॉब्लम, कर लोगे पक्का, कर दूँ रब, कर दूँ मिटा दूँ। चलो बहुत अच्छा समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। जल्दी जल्दी जब तक मैं उठा रहा तब तक फटाक से एक और बार रिवाइज कर लो आप लोग जल्दी से। अभी आपके पास सामने एग्जांपल नंबर 5.3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा, तो वो भी कर लेते हैं हम, वो भी कर लेते हैं। इजी है ना, इजी नहीं लग रहा है तो दो बार प्रैक्टिस कर लेना, इजी क्या याद हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्वेश्चन आ गया 5.3 एग्जांपल, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विद अ पीरियड 6 सेकंड्स इज एट अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एट टी इज इक्वल्स टू 0। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन एट टी 7 सेकंड्स बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, हमें दिया क्या क्या है, हमें बोल दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन आपने देख लिया, गिवन डेटा लिख लो इसके लिए, गिवन डेटा, गिवन डेटा में देखो क्या क्या दे दिया है हमें, हमें क्या क्या दे दिया है, हमें दे दिया है सबसे पहले कि 6 सेकंड पीरियड है, मतलब टी इज इक्वल्स टू 6 सेकंड दे दिया है, और क्या दे दिया हमें एट टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है जहाँ पर इसको टी इज इक्वल्स टू 6 सेकंड लग रहा है। इस टाइम इंटरवल पे हम लोग क्या लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वो गिरना चालू किया और कहाँ तक आया उसने, उसने 7 सेकंड और उसने लगाए, 7 सेकंड में वो कितना एम्पलीट्यूड आया वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक और 7 सेकंड हमें दे दिया है क्वेश्चन में, और क्या फाइंड आउट करने बोला हमें, ए फाइंड आउट करने बोला है, क्या फाइंड आउट करने बोला हमें, ए फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। हमारा वही अप्रोच रहेगा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप लोग, एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस, अभी कितना कवर किया उसने, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आप लोग 3 सेंटीमीटर लिख लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस कर लेंगे, ए में से 3 माइनस कर लेंगे, ए हमें फाइंड आउट करना है। एंगल फिर से कितना लोगे आप लोग, फुल डिस्प्लेसमेंट है, फुल है, फुल एसएचएम कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। और कुछ डाटा बाकी है कि हमारे पास, और कुछ डाटा बाकी है, ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है, कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला, फार्मूला फिर से क्या आ जाएगा, फार्मूला एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारा डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख देंगे, a माइनस 3 a साइन ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, सबको पता है, तो यहाँ पर लिख दो 2π/t इंटू टी प्लस 5 की वैल्यू π/2, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, a माइनस 3 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू साइन
यहाँ पर आप लोग फिर से वही कर सकते हो, यहाँ पर साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, फिर से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, फिर से मैं यही बता रहा हूँ, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉस थीटा लिख दूँ, यहाँ पर थीटा हम लोग ने क्या माना है, इसको हम लोग ने थीटा मान लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस टू पाई बाई टी इंटू टी। समझ में आ गया, अभी सिर्फ हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक, अभी तक कुछ प्रॉब्लम आया इसमें? चलो रखे वैल्यू अभी हम लोग इसमें। तो यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस थ्री, ए माइनस थ्री डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस, रखना क्या है, टू पाई बाय टी की वैल्यू क्या है, सिक्स सेकेंड, इन टू स्मॉल टी की क्या है, सेवन। ओके हो गया ये, और अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, कैंसिल आउट कर लो, वन जा थ्री जा, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस सेवन पाई बाय थ्री। सेवन पाई बाय थ्री मतलब कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ आप लोग, सेवन पाई बाय थ्री, जल्दी कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे कि ये सेवन पाई बाय थ्री कितना होता है, सेवन पाई बाय थ्री कितना होता है? तो आपको नॉर्मल, आपको वेव वेव भी आता है बताने, ठीक है, आपको एंगल भी बनाने आता है, ग्राफिकल मेथड, कोसाइन है, साइन रहता तो यहाँ से ऐसा चालू होता, कोसाइन है तो कहाँ से चालू होता है, माइनस वन से चालू होता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लें नेगेटिव से, यहाँ पर हाफ वेव, ठीक है, यहाँ से आ गया यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है, ये ज़ीरो, तो यहाँ से पूरा वेव हमारा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 180 पूरा कंप्लीट होता है, 360 पूरा कंप्लीट होता है, 360 यहाँ पर आप लोग पहले कन्वर्ट कर सकते हो 7 पाई बाय 3 को, पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, डिग्रीज में कितना आ जाएगा आप लोग इसको कैलकुलेट करो फटाफट, डिग्री में कितना आ जाएगा वो बता दो मुझे, डिग्री में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 420 तक आ जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, हमें पता है कैसे करना है, अगर हमें एक चीज़ कन्वर्ट करनी है, ठीक है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, ठीक है, और सेकंड करना है तो अपोजिट 180 बाय पाई, ऐसे करते ना हम लोग, तो ये आप लोग कर लो फटाफट, इसको इसको सॉल्व करोगे कॉस 7 पाई बाय 3 को, तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 420 मिल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 पाई बाय 3 को, 420। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जब ग्राफ देखोगे तो कॉस 360 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, बचा क्या हमारे पास 60 बचा, ठीक है, 360 प्लस 40 400 प्लस 20, ठीक है, 60 बचा, तो यहाँ पर आपको कॉस 60 की वैल्यू ढूंढनी है। समझ में आ गया, ये इजी मेथड है, मैं और एक आपको सम सॉल्व करने का अल्टरनेटिव मेथड बता दूंगा अभी, पहले ये वाला मेथड देख लो, इजी मेथड है ये भी। तो यहाँ पर आप लोग कॉस 60 की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको यहाँ पर ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, कॉस 60 का वैल्यू लॉग में क्या आ रहा है मुझे देखने दो, लॉग कॉस 60 वैल्यू वो 1 बाय 2 आती है, ठीक है, क्या आ रही है, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाय 2, यहाँ पर ए माइनस 3 बाय ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस 6, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया सबसे, इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ए को निकाल लो, यहाँ पर गया, यहाँ पर ये a आ गया, 2a माइनस a इज इक्वल्स टू प्लस 6, तो यहाँ पर से 2a में से a गया तो कितना बचा, 1a बचा, 2a में से एक a गया तो कितना बचा, 1a बचा, तो 6 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, थोड़ा सा देखो ऐसे बहुत सारे सम आएंगे, इसलिए मैंने आपको इस टाइप का सम बताया। ठीक है, इस टाइप का मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, पक्का समझ में आ गया। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी मैं बता रहा हूँ, इससे करो, ये जम गया ठीक है, ये नहीं जमा तो भी हम लोग फिर से देखते हैं, ये नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, अभी इसको हम लोग कॉस में एकदम लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ से ठीक है, अभी यहाँ से देखते जाओ आप लोग, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर a माइनस 3 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू साइन, साइन ही रखते हैं, 2 पाई बाय टी की वैल्यू 6, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है 7, इंटू 7 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस 3 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू साइन, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 जा 3 जा, करेक्ट है, तो बचा क्या हमारे पास, 7 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ही बताओ, क्या किया जाए, फिर से हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पाई बाय 3 मिल जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने फिर से आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या आती है, 420, फिर 360 आएगी, बचेगा 60, पाई बाय 60, उसको हम लोग पाई बाय 3 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ,
आपको आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा साइन, ये 7π/3 क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, π/3 + π/2, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं वही इसका फंक्शन साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा, क्या बन गया कॉस थीटा। तो यहाँ पर अभी कॉस थीटा कैसे बन गया, यहाँ पर देखो आपको कन्फर्म करना है तो 180/3, ठीक है। पाई, ये पाई की वैल्यू 3.14 नहीं, ये पूरा एंगल वाला पाई बोल रहे हैं, तो 1 जा 3 जा, ठीक है, कितना गया 1 जा और 6 जा 60, देखो 60 बचा हमारे पास। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 360 पूरा राउंड हो गया, 360 पूरा राउंड होने के बाद में और कितना एडिशनल राउंड बचा, प्लस 60 बचा, प्लस 60 को हम लोग पाई बाय 3 लिख सकते हैं, तो पाई बाय 3 का यहाँ पर हम लोग कन्फर्मेशन कर रहे हैं। तो कॉस 60 फिर से आप लोग देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, फिर से आप लोग 1a - 3/a, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2a - 6 = a, इसको फिर से इस साइड शिफ्ट करोगे तो 2a - a = 6, इसको मैंने उस साइड भेज दिया, तो 2a में से 1a गया तो कितना बचा, 1a बचा, तो हमारे पास वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर। दोनों मेथड समझ में आ गए, पक्का इजी था, चलो आई होप समझ में आ गया होगा, पक्का ना, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में क्या दिया है हमें देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सम में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 5.4, ठीक है, ये लो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM आर 8 cm/s एंड 6 cm/s एट रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट 6 cm and 8 cm, फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, दो वेलोसिटी दी है, दो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, और उस दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें, पीरियड फाइंड आउट करना है टी, और पीरियड क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड ए। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी, हम लोग सॉल्व करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा सबसे पहला क्या दिया हमें, वेलोसिटी V1 कितनी दे दी हमें, 8 cm/s, वेलोसिटी V2 कितना दे दिया है, 6 cm/s, फिर क्या दिया हमें, X1 डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 6 cm, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमें 8 cm दिया है, ठीक है। सब सेंटीमीटर्स में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करोगे तो सबको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग सम कॉम्प्लिकेट कर दोगे, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड टी और एम्पलीट्यूड ए। चलो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वेलोसिटी का, V = ω√a² - x², ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले V1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ω√a² - x², ठीक है, कितना आएगा x²। V2 के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिमिलरली फॉर V2, ω√a² - x² समझ में आ गया, ठीक है। अलग अलग वेलोसिटी के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ले लेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, V1/V2 = ω√a² - x² डिवाइड बाई ω√a² - x² का स्क्वायर, ओमेगा मर गया बच्चा के, यहाँ पर √a² - x² का स्क्वायर डिवाइड बाई √a² - x² का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यू लिख देते हैं, V1 की वैल्यू क्या है 8, V2 की वैल्यू क्या है 6, √a² - x² का वैल्यू क्या है, x² का वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36, 36 लिख दूँ, a² - x² का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 × 8 = 64, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इजी, और कुछ कर सकते हैं इसमें हम लोग, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करें, अभी हमें रूट हटाना है, a की वैल्यू ढूंढनी है, क्या करना है हमें, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए भी हम लोग क्या करें, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग यही करना पड़ेगा ना, और कुछ बता बचता है क्या, स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड, रूट हटाना है स्क्वायरिंग कर दो, तो लिख दो यहाँ पर स्क्वायरिंग, यहाँ पर इसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर स्क्वायर कर दो इसका, कितना मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 16, ठीक है,
यहाँ पर और आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर 2 4 2 3 4 by 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ गया मैंने क्या किया, यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर -32 -36, रूट कट हो गया, ए स्क्वायर -64। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, यहाँ पर आप लोग पहले भी रूट निकाल सकते हो, अभी निकाल रहे हो, अभी भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पर 16 a square minus 64 is equal to 9 into a square minus 36, मल्टीप्लाई कर लो 16 a square minus, अभी 16 64 का कितना आता है 1024। ठीक है, अभी मुझे इतना बड़ा टेबल नहीं आता, मैंने याद की वैल्यू, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर को बहुत बड़ा टेबल आता है, तो टेंशन मतलब उसका, मुझे भी टेबल नहीं आता, मल्टीप्लाई मैं भी किया, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, 1024 9 ए स्क्वायर, यहाँ पर 9 इंटू 36 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 2 3 2 4 3 2 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे, रीअरेंज कर दो इसको, 16 ए स्क्वायर इसको यहाँ पर लेके आ जाओ -9 a square is equals to -324, यहाँ का माइनस यहाँ पर जाके प्लस हो गया 1024। समझ में आ गया, सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, तो 19 में से 9 गया, कितना बचा, 19 में से 9 गया 7 बचा, तो 7 a square, यहाँ पर कितना बचा जल्दी बता दो, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर मेरे ख्याल से 700 बच रहा है। ठीक है, आप लोग कंफर्म करके बता दो, इसको डिवाइड किया तो कितना बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू 100 बचेगा, अभी ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटा दोगे, स्क्वायर लोगे इसका तो रूट लोगे तो इसका कितना हो जाएगा 10, तो प्लस माइनस 10 एम्पलीट्यूड आ रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है एम्पलीट्यूड, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सम, पक्का समझ में आ रहा है, आपके बुक में डायरेक्ट किया है मैंने, एक एक स्टेप करके दिखाया है, कोई प्रॉब्लम आया, ए का वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटा दिया 10 मिला, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, या फिर a = 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड आउट करने बोला हमें, टी फाइंड आउट करने बोला है। चलो टी भी कर देते फाइंड आउट फटाक से, कैसे करेंगे टी फाइंड आउट, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते, तो कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेते, उसका वैल्यू लगा लेते फटाफट, v1 = ω√a² - x1² ये फॉर्मूला यूज़ करते, जहाँ पर ओमेगा क्या है 2π/T, √a² का वैल्यू क्या मिला मुझे 100, a² का वैल्यू 100 मिला, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 6² = 36, यहाँ पर v1 का वैल्यू कितना है 8 है। समझ में आ गया ना क्या किया, तो यहाँ पर t = 2π/8 क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर किया, मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मुझे मिलेगा 64, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 2π/8 √64, 8 से 8 मर गया, t का वैल्यू क्या मिला मुझे 2π, क्या मुझे मिल गया 2π seconds। ठीक है, कितना मिल गया मुझे 2π seconds, इसमें आप लोग क्या करोगे, पाई की वैल्यू लगा दो 3.14, तो आपको क्या मिल जाएगा टी का सेकंड्स मिल जाएगा, बताओ मुझे कितना सेकंड्स मिला, जल्दी एक आंसर आपके लिए बता रहा हूँ मैं, लास्ट तक अगर वीडियो देखोगे तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आ रहा है, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हो वीडियो। ठीक है, सिर्फ आप लोग इतना लिख देना t = this second, बस t = भी मत लिखना, सिर्फ आंसर लिख दो कि कितना सेकंड आया। ठीक है, समझ में आ गया, सब क्वेश्चन समझ में आ गए आपको पक्का, चलो सेशन इधर पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में डाल दो, किसी एक को भी बेनिफिट हुआ तो आपको उसकी दुआ मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।